मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने सुरेंद्र सिंह शेरा को लेकर कहा कि वो मेरे मित्र हैं, उनके चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने से मेरा कोई सरोकार नहीं। शेरा जी मेरे मित्र हैं इसलिए आए थे, उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने से मेरा कोई सरोकार नहीं। गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बोला हमला जुमला कहते हुए दिग्विजय सिंह पर कसा दर्ज। वो हो रहा था तब मैंने कहा था कि आगे क्या होगा ये खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। पर यहां पर मैं ये कहता हूं कि जहां जहां संत मठा को जाए भैंस पर आदू ही मर जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की क्षमता हमने पंजाब में देखी और छत्तीसगढ़ में दिख रही है, और सिद्धू जी और माननीय अमरिंदर सिंह जी का आपने देखा ही होगा, राहुल गांधी जी का वो कहते थे ना, आलू इधर से डालो तो सोना निकलता है, इधर से कन्हैया और जिग्नेश को डाला, उधर से अमरिंदर सिंह और सिद्धू निकल गए। इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता का निधन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जताया दुख, परिवार को आघात सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। प्रदेश में सरकार का नवाचार, मध्याह्न भोजन बच्चों को डाइनिंग टेबल पर कराने की योजना, ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सूखा निपानिया के डाइनिंग हॉल सेंटर का किया लोकार्पण। बांटे अमृत स्वयं इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों का सबब बने गड्ढे, बस और स्कूटी में टक्कर, स्कूटी सवार दो युवक घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पर दिए गए बयान के बाद विवादों में आता है, इसे लेकर सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई को लेकर ग्वालियर एसपी को ज्ञापन दिया। ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन ले लिया गया है और इसका लीगल परीक्षण करा के इसमें अग्रिम कार्रवाई की। सांसद दुर्गादास उइके ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा कांग्रेस में मुझे जैसे आदिवासी सांसद सहित पूरे जनजाति समाज का किया अपमान। निश्चित रूप से क्या है कि आपराधिक प्रकरण है, एक कदम दर्ज किया और इस दिशा में क्या है कि उसमें कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन से चर्चा करके जो भी संभव होगा वो उसमें करना। पुलिस ने किया वाहन चेकिंग अभियान का आगाज, अगर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने की पहल, सहयोग करने वालों को दिए गुलाब के फूल। हिदायत दी गई कि जो भी आप रात में निकलते हैं तो पर्याप्त सुरक्षा के साथ निकले और कोई भी ऐसी अवैध गतिविधि के संलिप्त न हो, अन्यथा आपके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी जिसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिले में 2021 के मध्य विभिन्न विधिक जागरूक शिविरों का किया जाएगा आयोजन, जिले के सभी न्यायाधीश कर्मी सहभागिता कर रहे हैं, जिससे कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारी विधिक सहायता की जो योजनाएं हैं, पीड़ित पत्रकारों के लिए जो सहायता है, उन सभी के लिए ये मेगा कैंप लगाया गया है। खडवा में 8000 रुपए महीना कमाने वाला युवक रातों रात बना करोड़पति, आईपीएल क्रिकेट के ऑनलाइन गेम ड्रीम 11 में जीते 1,20,00,000 रुपए, युवक ने 10,00,000 रुपए मंदिर के लिए किए दान। मुझे प्लेयर मेरे साथ क्रिकेट खेलने का वो शौक था, मैं शुरू से ही मतलब हॉबी थी मेरी क्रिकेट खेलने की, फिर मैंने ड्रीम इलेवन का देखा था टीवी पे, तो मैंने आईपीएल चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने ऐसी टीम बनाई थी आईपीएल, मुझे उसका नॉलेज नहीं था ज्यादा। कार्यकर्ताओं ने माधवराव सिंधिया की मनाई पुण्यतिथि, समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन की अर्पित, आज ही के दिन माधवराव सिंधिया की हवाई दुर्घटना में हुई थी मौत।
सीहोर में नवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर ट्रस्ट की हुई बैठक। सलकनपुर स्थित विजासन धाम में भक्तों के लिए खुले रहेंगे पट। मंदिर में घट स्थापना के साथ मेले का भी होगा आयोजन। सिवनी में 36 घंटे बाद मिला युवक का शव। एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आज दिनांक 28 तारीख को अपन को ये सूचना मिली कि बैनगंगा पुल से एक व्यक्ति कूदा है। तत्काल डायल 100 पर इवेंट पर स्पॉट पर भेजा गया। उसके पश्चात उच्चाधिकारियों को सूचित करने के बाद पूरा स्टाफ भी वहां पहुंच गया था। देवास में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पर तहसीलदार ने की कार्रवाई। रॉयल्टी से अधिक रेत का किया जा रहा था परिवहन। ग्रामीणों की जागरूकता से हुई कार्रवाई। इसके बाद में बिस्पुर पे जाते हैं ये, और इसके बाद में गाड़ी पे चढ़ा दी हमने, और इसके बाद में ये दो नंबर की रेत लेके जा रहे हैं। इनके पास रॉयल्टी नहीं थी, हमने रोकी जा। कौन सा गाँव है ये? ये अमोदा गाँव है। आपने कौन कौन को यहाँ पर सूचना दे दी अभी तक की हमारे इधर से अवैध रेत जाती है? सिवनी में नदी में नहाने गए 10 वर्षीय बालक की डूबने से मौत। अचानक गहरे पानी में जाने से डूबा बालक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। देवास के नेमावर में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की तीसरे दिन भी जारी रही हड़ताल। मांगे पूरी ना होने से कर्मचारियों में आक्रोश। दिनेश यादव, जिला उपाध्यक्ष, महास्रोत आउटसोर्स कर्मचारी संगठन मध्य प्रदेश। किन मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है? हमारी मांगे हैं प्रमुख विभाग में सम्मेलन किया जावे और 45 वर्ष से अधिक कर्मचारी। रतलाम में ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ दिया ज्ञापन। मनमानी करने का लगाया आरोप। सरपंच ने भी ग्रामीणों पर धमकाने का लगाया आरोप। किस तरह की समस्या थी और किसके आपने आज यहाँ ज्ञापन दिया? गांव बलसोड़ा का भू माफिया है, खनिज माफिया है, कैलाश चंद राठौड़। गांव बलसोड़ा में अवैध खनन कर रखा है, उसने सरकारी जमीनें घेर रखी है और पूरे गाँव को परेशान। उज्जैन में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। वाहनों के दस्तावेजों की जांच की। अधिकतर कारों में रोड टैक्स की चोरी आई सामने। देवास में 3 सरगना को पकड़ने वाले थाना प्रभारी का हुआ सम्मान। डीजीपी ने राजा राम वास्कले को दिया 50,000 का नगद इनाम। सर, आपको शासन के द्वारा सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आपका? ये बड़ी मेरे लिए खुशी का विषय है और गर्व का विषय है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमारे काम को सराहा गया। ग्वालियर में सड़क पर तड़प तड़प कर युवक की हुई मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। टीकमगढ़ में समय पर स्कूल नहीं खुलने से छात्र परेशान। मनमाने समय पर आते हैं टीचर, जिम्मेदारों का भी नहीं है जोर कोई ध्यान। रायपुर में आईसीएमआर और सीजीएमएससी के मध्य हुआ एमओयू। 2 करोड़ की राशि से बनेगा 36 मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य रिसर्च यूनिट। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी रहे मौजूद। धमतरी में गंगरेल बांध से फसलों की सिंचाई के लिए छोड़ा पानी। किसानों के चेहरे खिले। किसान संगठन ने मुख्यमंत्री से की थी मांग।
बेमेतरा में पुलिस ने लगाई जन चौपाल, ग्रामीण से की चर्चा, गंभीर अपराधों के प्रति लोगों को किया जागरूक। न्याय प्रणाली के तहत पूरे विधिवत हम इसको न्याय के लिए हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसके अलावा हम इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे कि वो कौन है, किससे इन्होंने अनुमति लिया और वो पेपर को इनको लाके सार्वजनिक करना होगा। रायगढ़ में प्रस्तावित कॉल ब्लॉक सर्वे का क्षेत्र में बड़ा विरोध, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, सर्वे पर रोक लगाने की मांग। गांव में जा जाकर लोगों को जागरूक करना है। साइबर अपराध संबंधित, किसी भी तरह का अपराध संबंधित आमतौर पर होता है कि गांव वाले पुलिस के पास नहीं आ पाते हैं। इन पुलिस और गांव वालों के बीच की दूरी को कम करने का ये हमारे सरकार का अभियान है।